नमस्ते, आपके भीतर विराजमान उस दिव्य शक्ति को मेरा प्रणाम है, जिसकी प्रेरणा से यह समस्त सृष्टि चल रही है। इस अतिशय पुरातन और प्राचीन ध्यान का आरंभ करने से पहले हम दिव्य ओम का उच्चारण करेंगे। कृपया आप शांत चित्त प्रसन्न हो सुखद आसन में बैठ जाएं। धीरे धीरे श्वास को आनंद के साथ लेते रहें। ये अति सुंदर स्तोत्र सबसे पहले देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु को कहा था। आइए ओम के उच्चारण के साथ ये स्तोत्र या स्तुति, जिसको कि महापुरुष विद्या भी कहा गया है, उसका आरंभ करें। जितन्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मणाय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज, नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्तिरूपिणे, ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। देवानां दानवानां च समान्यमसि दैवतम् सर्वदा चरण वंदम व्रजामि शरणम तव, एकस्य त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षश्चणुमन्ता च गुणमाया समावृता। संसार सागरम घोरम अनंतम कलेशभाजनम त्वमेव शरणम प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः। नाते रूपम नाचाकारो न युद्धानि न चास्पदम्, तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे। नैवे किञ्चिद् प्रोक्षम् ते प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित्, नैवे किञ्चिद् साध्यम् तेन च साध्योऽसि कस्यचित्। कारिणां कारणं पूर्वं वत्सां वाच्यमुत्तमं, योगिनां परमां सिद्धिं परमं ते पदं विदुः। अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारे यस्मिन् महाभये, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परम। कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु च अच्युत, श्रीरेऽपि गतो चापि वर्तते मे महद्भयम्। त्वत्पादकमलादनत्र मे जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलस्य अस्ति येन गच्छामि सद्गतिं। विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानमूर्तिजं, जन्मान्तरेऽपि मे देव मा भूदस्य परीक्षया। दुर्गतावपि जातायां त्वं गतिस्त्वं मतेर्मम, यदि नाथं च विज्ञेयं तावदस्मि कृति सदा। अकां कलुषं चित्तं मम ते पाद्यो स्थितं, कामे वैष्णुतं तु सर्वजन्मसु केवलम्। ओम नारायणाय विद्महे महापुरुषाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हे पुंडरीकाक्ष आपकी जय हो, हे विश्वभावन आपको नमस्कार, हे महापुरुषों के पूर्वज सुब्रह्मणाय आपको नमस्कार, प्रधान व्यक्ति रूपी हिरण्य गर्भ को नमस्कार, शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार। हे प्रभु आप देवों और दानवों के समान रूप से देवता हैं, आपके दोनों चरणों की शरण में मैं जाता हूँ,
आप अकेले ही संसार के सृष्टा और संहारक हैं, गुण और माया से आच्छादित अध्यक्ष और अनुमंता हैं। यह संसार सागर एक घोर अनंत कलेश का भाजन है। मनीषी जन आप ही की शरण प्राप्त करके इसे पार करते हैं। आपका न रूप है, न आकार है, न शस्त्र है, न स्थान है, फिर भी आप पुरुष आकार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ना तो आपके प्रोक्ष कुछ है और ना ही आप किसी के प्रत्यक्ष हैं। ना तो आपको कुछ असाध्य है और ना ही आप किसी के साध्य हैं। कार्यों की आप पूर्व कारण हैं, वाणियों की आप उत्तम वाणी हैं। आपका परम पद योगियों की परम सिद्धि है। हे देवेश, इस महाभयंकर संसार में मैं भयभीत हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके अतिरिक्त दूसरे की शरण नहीं जानता। हे अच्युत, सब दिशाओं में और सब कालों में शरीर की गति में भी मुझे बहुत भय लग रहा है। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त जन जन्मांतरों में भी कुशल का ऐसा कारण मैं नहीं देख पा रहा हूँ जिससे मुझे सदगति प्राप्त हो सके। यह जो अजित विज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसका हे देव जन्म जन्मांतर में भी विनाश न हो। दुर्गति होने पर भी आप ही मेरी गति और मति हैं। यदि मैं आपको जान लूं तो मैं उतने से ही सदा कृतार्थ हूँ। कामना और कलुष से युक्त मेरा चित्त आपके श्री चरणों में समर्पित है। मैं सभी जन्मों में केवल वैष्णव ही बनूं, इसके अतिरिक्त मेरी और कोई कामना नहीं है। आप ही के श्री चरणों को ध्याऊं, आप ही की आराधना करूं, आप ही में अपने मन को लगाऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण है वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को जब निकाला जाए जो शेष बचे वो भी पूर्ण है। आप भी पूर्ण हैं। यह समस्त सृष्टि भी पूर्ण है। आशा करता हूं कि ध्यान में आपको आनंद आया और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जीवन के हर सत्कर्म में प्रकृति ईश्वर आपके सहाय हों।